दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो चुका है ओप्पो F17, और इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और इसकी जो प्राइस है वो 17 से 18 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों हम करेंगे इसके आज कंप्लीट कैमरा रिव्यू। दोस्तों इस फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर देखने को मिलते हैं, और 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये फ़ोटो मैंने यहाँ पर नॉर्मल मोड से क्लिक की है ओप्पो F17 के बैक कैमरे से, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे कलर्स और सैचुरेशन लेवल आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर दोस्तों बात करूँ यहाँ पर क्वालिटी की, तो यहाँ पर थोड़ी स्मूदनिंग टाइप सी फ़ोटो आपको देखने को मिलती है। ये भी दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल ही मोड में मैंने कैप्चर की है, और डायनामिक रेंज इस फ़ोन की मुझे ठीक ठाक यहाँ पर लगी है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर HDR मोड में फ़ोटो लेंगे, तो यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाती है, सैचुरेशन लेवल वगैरह भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों AI ऑन करते ही आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर खुद ही फ्लावर इसने डिटेक्ट कर लिया था। तो दोस्तों ये है यहाँ पर जो मैंने फ़ोटो क्लिक की है, ये एक बस की यहाँ पर फ़ोटो क्लिक की है, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो सैचुरेशन लेवल है और कंट्रास्ट लेवल वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों थोड़ा जूम करने पर आप देख सकते हैं जो टेक्सचर है इस बस के ऊपर वो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है, तो क्वालिटी आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये भी मैंने यहाँ पर AI मोड में फ़ोटो खींची है इस शूज़ की, और आप देख सकते हैं जो दोस्तों कलर है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर निकल कर आया है। और चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट्स की। तो यहाँ पर जब पोर्ट्रेट शॉट मैंने स्पीकर का लिया है, आप देख सकते हैं जो वाइट बैलेंस है यहाँ पर वो थोड़ा ज़्यादा है, बाकी यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बात करें अगर यहाँ पर कुछ और सैंपल्स की, तो ये मैंने अपनी फ़ोटो ली है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं इसमें जो बालों के आसपास का एरिया है वहाँ पर एज डिटेक्शन में कोई भी कमी नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ी स्मूदनिंग सी है दोस्तों हर फोटो में आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये भी यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट है, और इसमें भी दोस्तों वाइड बैलेंस मुझे हल्का सा ज़्यादा लग रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर वाइड एंगल शॉट्स की, तो आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छे से यहाँ पर वाइड एंगल शॉट लिया गया है, काफ़ी ज़्यादा एरिया दोस्तों इस कैमरे ने कवर किया है, लेकिन जो क्वालिटी है उसमें भी आपको कोई ज़्यादा डाउनग्रेड देखने को नहीं मिलता है। बात करें दोस्तों मैक्रो सेंसर की यहाँ पर, तो मैक्रो सेंसर 2 मेगापिक्सल का है, और जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक सी है, ज़्यादा अच्छी आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों वाइट बैलेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर ओप्पो F17 के बैक कैमरे से, जिसमें कि आपको फुल HD की वीडियो यहाँ पर बना सकते हो, मतलब कि 1080p तक आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये दोस्तों अभी सुबह का टाइम है, तो इसलिए डायनामिक रेंज भी थोड़ी यहाँ पर बेकार सी आपको दिख रही होगी। दोस्तों इस फ़ोन में आपको यहाँ पर 4K का कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, और पर आपको दोस्तों यहाँ पर इसमें जो देखने को मिलता है वो है स्लो मोशन वीडियो, तो उसका भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सैंपल दे दूँगा। और रही बात यहाँ पर कलर और सेचुरेशन लेवल की, वो उसमें दोस्तों आपको कोई भी कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फ्रंट सेल्फी की ओर। दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर ओप्पो के फ्रंट कैमरे से, जिसमें कि आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करें इस फ्रंट कैमरे के कुछ फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है, और आपको इसमें EIS तो दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर इतनी ख़राब वीडियो आप बना रहे हैं। तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको 4K का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है फ्रंट कैमरे में। तो दोस्तों मैं बात करूँ इसके यार कुछ कलर वगैरह के बारे में, तो डायनामिक रेंज ठीक ठाक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कई बार वाइट भी हो जाता है पीछे जब यहाँ पर ज़्यादा लाइट इस कैमरे के ऊपर पड़ती है। तो दोस्तों चलते हैं कुछ और सैंपल्स की ओर। दोस्तों इस फ़ोन में आप यहाँ पर स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लो मोशन की क्वालिटी आपको एवरेज सी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आप छोटी मोटी वीडियोज़ इससे रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों बात करूँ इसके प्राइस के अकॉर्डिंग, तो आपको कई और फ़ोनों में इससे अच्छा यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप इससे भी अच्छी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्राइस रेंज के मुताबिक मुझे ये वाला फ़ीचर्स कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है इस फ़ोन में। दोस्तों बात करें यहाँ पर सेल्फ़ी की, तो 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फ़ी देखने को मिलती है। तो दोस्तों यार इसमें थोड़ी सी वाइटनेस आपको देखने को मिल जाएगी सेल्फ़ी में, और वो तो हर एक ओप्पो के फ़ोन में आपको देखने को मिलती ही है। तो दोस्तों चलिए कुछ पोर्ट्रेट शॉट में आपको दिखा।
तो दोस्तों ये है यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट, और इस पोर्ट्रेट शॉट में आप देख सकते हैं कि सब कुछ अच्छे से इस फ़ोन ने किया है। लेकिन दोस्तों बात करें एज डिटेक्शन की, तो मेरे बाल यहाँ पर ब्लर हो चुके हैं, तो यार ये छोटा मोटा होता रहता है कई फ़ोन्स के साथ, अगर एक और टेक लेता तो शायद से ना होता। तो दोस्तों इस वीडियो में यार इतना ही, और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नई नई वीडियोस के लिए। और दोस्तों बात करूँ इस फ़ोन के रिज़ल्ट की, तो मुझे ये फ़ोन पर्सनली कैमरा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा 17 से 18 हज़ार रुपये की रेंज में। इतने में दोस्तों आपको कई अच्छे फ़ोन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कई सैमसंग के फ़ोन हैं जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे से कैमरा प्रोवाइड किया गया है।